हेलो बीजीएम प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वापस आए एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेके आए हैं इन्फिनिक्स जीरो 2023 वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर हमें डायमेंशन का 920% देखने को मिल जाता है। ये फोन हमें 15,000 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में डायमेंशन 920 हमें किसी भी फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको पता ही है कैसी रहने वाली है। आपको मैंने पुरानी वीडियो इतनी सारी बनाई है, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया इन वीडियो के ऊपर, तो ये भी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि हमने एक रिव्यू लेके आया 6 मंथ है इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है। इस फोन को आए हुए लॉन्च हुए पूरे 6 महीने हो गए, तो 6 महीने के बाद देखते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। आपको क्या जायरोस्कोप में डिले देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। इस फोन को हमने एंड्रॉइड 13 पे अपडेट कर लिया है और एंड्रॉइड 13 में देखते हैं भाई कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, तो कई बंदों ने बोला था कि भाई हमें दोबारा एक और वीडियो चाहिए। आप करेक्ट बता दीजिए कि इस फोन के अंदर जायरोस्कोप डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने एंड्रॉइड 13 के बाद गेम प्ले करे हैं बड़े सारे, लेकिन इसके अंदर मुझे जायरोस्कोप में ज्यादा बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिला जब से मैं एंड्रॉइड 13 में खेल रहा हूँ। क्योंकि एंड्रॉइड 12 में मैंने कई जगह पे बीच बीच में देखा था, कहीं पे पिंग का इशू भी मुझे देखने को मिला था, लेकिन अब इस फोन के अंदर पिंग का इशू भी मुझे देखने को नहीं मिला है, ना ही मुझे जायरोस्कोप में डिले देखने को मिल रहा। तो आज मैं आपको अपना रिव्यू देने वाला हूँ 6 मंथ का, कैसी परफॉर्मेंस है 6 मंथ की, कि कैसे परफॉर्म दे रहा है ये 6 महीने बाद। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, साथ में आपको दिखाता रहूंगा, अरीना ट्रेनिंग दिखाऊंगा, उसके बाद क्लासिक मैच भी दिखाऊंगा, उसके बाद मैं नूसा मैप भी दिखा दूंगा आपको कि कैसी परफॉर्मेंस रही है इस 6 महीने के बाद फोन की परफॉर्मेंस एंड्रॉइड 13 में अपडेट करने के बाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि शुरू में जो मैं गेम प्ले करने वाला हूं अरीना ट्रेनिंग क्लासिक मैच खेलने वाला हूं, वो विदाउट फैन खेलने वाला हूं। क्योंकि कई बंदे कहते हैं जब फोन हीट करता तब इसका जायरोस्कोप डिले होता है, तो मैं फोन विदाउट फैन खेलने वाला हूं। टेम्परेचर भी मैं आपको दिखाऊंगा और टाइम भी साथ में लगा के रखूंगा कितनी देर हमने गेमिंग करी है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि विदाउट फैन खेलने के बाद, फिर उसके बाद विद फैन के साथ भी खेलूंगा मैं बाद में थोड़ी देर बाद, तो आपको विदाउट फैन पता लग जाएगा कि इतना फोन हीट करने के बाद भी जायरोस्कोप में कोई डिले देखने को नहीं मिला। टेम्परेचर भी दिखा दूंगा कितना जाता है जब विदाउट फैन खेलते हैं, विद फैन खेलेंगे तब भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है कि आपको ये फोन इस टाइम पे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग पे कोई भी फोन इस टाइम पे नहीं दे रहा। आपको 60 FPS की गेमिंग आप इस फोन के साथ कर सकते हैं 15,000 के प्राइस सेगमेंट में, जो कि काफी बड़ी बात है, इसलिए इस फोन को मैंने इतना यूज करा है। तो चलो दोस्तों वीडियो अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आपको तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बैठ के आपके लिए हैंड गेम बनाया है तो काफी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों फटाफट आपके चलते हैं वीडियो शुरू। हाँ तो दोस्तों ये रहा अपना इन्फिनिक्स जीरो 2023 वाला वेरिएंट, जो कि हमें डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाता है। आपको एक बार मैं सेटिंग भी दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको यकीन हो जाए। माय फोन पे जाके और ये आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन भी 13 पे है, मैंने इसको अपडेट कर लिया था, एंड्रॉयड 12 से 13 पे आ चुका है ये। तो एंड्रॉयड 13 के बाद की परफॉर्मेंस मैं आपको बताने वाला हूँ कैसी रहने वाली है इस फ़ोन को। आपको पता ही है कि भाई कितना हमने इस्तेमाल करा है, कितनी सारी वीडियो आपके लिए हम डाल चुके हैं। तो आज मैं आपको एक ग्राफिक सेटिंग भी दिखा देता हूँ फटाफट, ये ग्राफिक सेटिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है, बैलेंस HD और HDR में आपको अल्ट्रा तक का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक हम अपने यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं अरीना ट्रेनिंग खेल के, और यहाँ पे हम टाइमर भी लगा देते हैं जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हमने कितनी देर गेमिंग करी और इतने टाइम से हम फोन को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको बैटरी ड्रेन भी पता लग जाएगा कितना बैटरी ड्रेन हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है एंड्रॉयड 13 पे। तो आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ, बैटरी हो रही है 44% बैटरी हो रही है और हमने टाइमर भी चालू कर लिया है। तो आप अरीना ट्रेनिंग देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। और सबसे मेन बात जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे कंफ्यूज है, मैंने खुद ही बोला था कि जायरोस्कोप का कभी कभी डिले देखने को मिलता है, लेकिन जब से मैंने फ़ोन को अपडेट करा एंड्रॉइड 13 में गया उसके बाद भाई जायरोस्कोप मेरे को एक बार भी डिले देखने को नहीं मिला। अब जायरोस्कोप बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है फ़ोन का, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जायरोस्कोप इतना वो नहीं जो बिल्कुल स्मूथ है, होता जैसे कि भाई 20-30 हज़ार वाले फ़ोन में होता है, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ IQ Neo 6 हो गया, चाहे IQ G7 Pro हो गया, वैसा आपको जायरोस्कोप नहीं मिलता बिल्कुल स्मूथ वाला। ये है कि भाई आप जायरोस्कोप के साथ खेल सकते हैं, इस प्राइस सेगमेंट में आपको ऐसा ही जायरोस्कोप देखने को मिलता है, तो वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्मूथ वाला नहीं है कि बहुत बिल्कुल स्मूथ चलेगा जायरोस्कोप, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल स्मूथ वाला नहीं है। जब किसी आप महंगे वाले फ़ोन में खेलेंगे तो थोड़े दोनों फ़ोनों का जायरोस्कोप में थोड़ा सा फ़र्क आपको पता लगेगा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जायरोस्कोप में हमें डिले देखने को नहीं मिलता, जो कि कभी कभी हमें डिले देखने को मिलता था, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। लेकिन इस बार हमें जायरोस्कोप में ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिला, ज़्यादा क्या भाई बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही रेयर होगा अगर आप डिले हो जाए, क्योंकि मैं इतने टाइम से फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉइड 13 के बाद से मुझे एक बार भी डिले देखने को नहीं मिला। अब अरीना ट्रेनिंग को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिक मैच में।
तो दोस्तों यहाँ पे अरेना टर्निंग फिनिश होता है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही, आपको 55 प्लस FPS देखने को मिल जाएंगे, कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा अरेना टर्निंग के अंदर। मैं फाइव फिंगर खेलता हूँ और फुल जायरोस्कोप प्लेयर हूँ, अगर जायरोस्कोप में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो भाई मुझे इशू होगा, क्योंकि मेरा एम पूरा डिपेंड होता है जायरोस्कोप में, मेरा उंगलियों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो आपने देखा जायरोस्कोप भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आप फाइव फिंगर खेलते हैं तब आपको कोई भी इशू आने वाला नहीं है, अगर 4-3-2 खेलते हैं तब भी कोई इशू आने वाला नहीं, लेकिन अगर आप फाइव फिंगर से ज़्यादा फिंगर खेलते हैं, अगर आपका क्लो है वो सिक्स फिंगर का है, सेवन फिंगर का, तो आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलेगा। अब जरा क्लासिक मैच देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैसी कैसी परफॉर्मेंस रही क्लासिक मैच के अंदर भी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख सकते हैं हमने आपके लिए बैठ के हैंड कैम बनाया, ताकि आपको ये सारा रियल लगे, ये नहीं लगे कोई फेक वीडियो हम डाल रहे हैं आपके लिए। हैंड कैम आपके लिए बनाया, साथ में टाइमर भी लगाया, कम से कम हमने एक घंटे बैठ के गेमिंग भी करी है, उसके बाद एडिटिंग भी करी है, वॉइस ओवर भी डाला, तो अराउंड 2.5 घंटे के आसपास पूरी वीडियो को लग जाता है एक बनने में, तो इतनी मेहनत करी है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों यहाँ तो हमें टॉनिक मिल गया, हमने दोबारा जंप करी, एक और नया मैच लगाया था। आपने आपको मैं एक बात बता रहा था, अगर आप फाइव फिंगर से अबव खेलते हैं, सिक्स फिंगर सेवन फिंगर खेलते हैं, देखो आपके लिए तब इशू आने वाला है, क्योंकि जो इसका टच है ना वो सिर्फ फाइव फिंगर को ही सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा को नहीं करता, लेकिन फाइव को करता अच्छे से करता। मैं फाइव फिंगर खेलता हूँ, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता फाइव फिंगर में, लेकिन सिक्स सेवन में आपको इशू देखने को मिल जाएगा। आप जरा FPS बड़े ध्यान से देखिए क्लासिक मैच में, दोबारा उसके बाद हम इस मैच के बारे में, इस मैच के बाद बात करते हैं कैसी परफॉर्मेंस रही क्लासिक मैच में। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने क्लासिक मैच में दो बार जंप करी है और दोनों बार हॉट ड्रॉप पे जंप करा। आपने FPS देखे अराउंड 50 FPS के आसपास चले जाते हैं, कभी कभी भाई 40 की लाइन पे 45 के आसपास भी चले जाते हैं जब हम हॉट ड्रॉप पे जंप करते हैं बहुत ज़्यादा तगड़े वाला, लेकिन उसके बाद FPS रिकवर करता है। फिर आपको 55 प्लस वाले FPS भी देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे, जब बहुत ही ज़्यादा बंदे होंगे तब आपको 50 FPS के प्लस FPS देखने को मिलेंगे, वरना मैक्सिमम टाइम पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि 55 प्लस वाले FPS भी देखने को मिले। लेकिन ये है कि अगर जब आपका फ़ोन ज़्यादा हीट कर रहा होगा ना, तो आपको ये दिमाग थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर फ़ोन जितना ज़्यादा हीट करेगा उतना ही आपको FPS ड्रॉप देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट कर रहा होगा तो आपको 45 वाले FPS भी देखने को मिल जाएंगे जब आप हॉट ड्रॉप करोगे, और कॉन्स्टेंट आपको उस टाइम भी 50 FPS भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका फ़ोन ठंडा रहेगा तब आपको 55 प्लस FPS भी देखने को मिलेंगे बड़े प्यार से। आप देख सकते हैं मेरा रूम का टेम्परेचर है वो इतना गर्म नहीं होता है, मैं सबसे ग्राउंड फ्लोर वाले में रहता हूँ, तो भाई मैं फ़ैन लगा के भी खेलता हूँ ना, तो मेरा फ़ोन इतना गर्म नहीं होता है, अच्छा खासा चलता है फ़ैन के नीचे भी। अगर आप कूलर के सामने खेलेंगे तो और बढ़िया रहेगा, तब और भी ज़्यादा कोई हीटिंग इशू का प्रॉब्लम आएगा नहीं। ये कि अगर फ़ोन हीट करेगा, अगर आपका फ़ोन हीट कर रहा है तब आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलेगा, तब आपको 40 FPS वाले 45 FPS के आसपास जाते हुए देखने को मिल जाएगा जब आप गेमिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर भी चला गया। हमने ये जो जितने भी अभी गेम प्ले हमने आपको दिखाए, ये हमने विदाउट फैन खेल के दिखाए थे, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि अब जायरोस्कोप में कोई डिले देखने को नहीं है, क्योंकि कई बंदे कह रहे थे जब फ़ोन ज़्यादा हीट करता है तब हमें जायरोस्कोप में डिले देखने को मिलता है। अब हम फैन को ऑन कर लेते हैं, फैन को ऑन करने के बाद परफॉर्मेंस भी देखेंगे और टेम्परेचर भी देख लेंगे कि फ़ैन ऑन करने के बाद टेम्परेचर कम होता है कि नहीं होता है, कितना टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्योंकि भाई मैंने विदाउट फैन मैंने जानबूझ के खेला ताकि आपको ये पता लग जाए कि पहले ही से ही कि फ़ोन में जायरोस्कोप में अब डिले नहीं है। कई बंदे कह रहे थे हीट होता था बहुत ज़्यादा डिले होता है, लेकिन अब डिले मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, इतना हीटिंग करने के बाद भी मैंने कर लिया, और FPS भी आपने देखे कि इतना टेम्परेचर पर आपको FPS भी कैसे देखने को मिल रहे थे। अब चलते हैं इस मैच को, अब अगर आप देखिए बड़े ध्यान से, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से।
तो दोस्तों इस बंदे ने तो हमें पेल दिया, लेकिन अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करी जाए, आप देख सकते हैं जब हमने फ़ैन ऑन कर दिया उसके बाद, मुझे सही बताऊं फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं करता है तो परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलती है। अगर आप फ़ोन को ठंडा रखेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस चलेगी। ये कि ज़्यादा अगर आप फ़ैन कूलर के सामने भी खेलेंगे तब भी फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं करेगा। अब आप टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊँ एक बार, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने पूरा एक मैच खेला उसके अंदर जब हमने फ़ैन ऑन कर लिया था, उसके बाद आप टेम्परेचर देख सकते हैं 40 डिग्री के आसपास चला गया, मतलब कम हो गया। पहले 42 डिग्री चला गया था विदाउट फैन में। तो आपने देखा जायरोस्कोप में मुझे डिले देखने को नहीं, और बैटरी भी आपको दिखा दूँ 40 मिनट की हमने गेमिंग कंप्लीट कर ली है, अराउंड 28% की बैटरी होगी। हमने 44% की बैटरी पे स्टार्ट करा था तो अराउंड 16% का हमें बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। आप चेकआउट कर सकते हैं 40 मिनट के अंदर। तो अगर आप 1 घंटे की गेमिंग करते हैं तब आपको 20% के आसपास का बैटरी ड्रेन देखने को मिल जाएगा आपको। तो अराउंड 5 घंटे से ऊपर ही बैटरी चलने वाली है फ़ोन की। लोकेशन ऑन भी थी तो उसको हमने बंद कर दिए, तो अराउंड भाई आप कह सकते हैं कि आराम से भाई 5 घंटे आप गेमिंग कर सकते हैं लगातार। तो बैटरी बैकअप भी मैंने आपको बता दिया अच्छा खासा। अब एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी चेक कर लेते हैं कि आप फोन के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गेमिंग वीडियो वीडियो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैसे FPS आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो नॉर्मल क्लासिक मैच मैंने आपको बता दिया कि कैसे परफॉर्मेंस रहनी है। अगर कंपटीशन के लिए आप कॉम्पी प्लेयर बनना चाहते हैं इस फोन के साथ, देखो 15-20 हज़ार के फोन में आप कॉम्पी प्लेयर बहुत ही मुश्किल होता है बनना, बहुत ज़्यादा लैग। आपको ये नहीं कहूँगा कि इस फोन के अंदर लैग नहीं होता, देखो फोन के अंदर लैग भी होता है 15 हज़ार के फोन से। ये मैं कह रहा हूँ कि 15 हज़ार के फोन के हिसाब से देखा जाए, देखो हर फोन के अंदर लैग होता है, ऐसा है नहीं 20-25 हज़ार वाला फोन भी ले लोगे ना उसके अंदर भी लैग होता है। 30 से ऊपर जाओगे तो थोड़ा बहुत लैग होता है, लेकिन लैग तो होते ही हैं सारे। बहुत यहाँ थोड़े से बंदे आ गए हैं, हाँ। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि 15 हज़ार के हिसाब से अगर देखिए, देखो बाकी इस फोनों के अंदर आपको सिर्फ 40 FPS देखने को मिलता है, इस फोन के अंदर आपको भाई 60 FPS देखने को मिलता है। और चलता भी ऐसा भी नहीं कि सिर्फ चलता नहीं, आपको ये नहीं कि हर बारी 40 पे लेके जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको 50+ FPS मैक्सिमम टाइम पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब 10 FPS आपको मैक्सिमम टाइम पे एक्स्ट्रा ही देखने को मिल रहा है बाकी फोनों से। तो आपका एक्सपीरियंस है गेमिंग करने का वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एज कम्पेयर टू अदर फोन जो कि आपको इस प्राइस सेगमेंट में सिर्फ 40 FPS दे रहे हैं। तो इन्फिनिक्स वालों ने काफ़ी बढ़िया काम करा, आपको 60 FPS भी देखने को मिला। डायमेंशन का 920 अगर और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देंगे प्रोसेसर को इन्फिनिक्स वाले, तो फोन के अंदर और तगड़ी गेमिंग हो जाएगी। जैसे कि मुझे लग रहा है कि एंड्रॉइड 13 जब से आया तब से गेम थोड़ा सा अच्छा चलने लगा है एज कम्पेयर टू पहले जैसे चलता था एंड्रॉइड 12 पे, उससे थोड़ा सा बढ़िया चलने लगा है। आपने देखी पूरी परफॉर्मेंस आपको बताया, मैंने बता दिया कि भाई लैग, ये मैं सोच रहा है कि भाई लैग नहीं होगा। देखो लैग तो सारे फोन होते हैं, 15-20 हज़ार वाले फोन में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता है, और 15 हज़ार वाले फोनों में तो वैसे ही देखने को मिलता है, जब ज़्यादा बंदे आ जाते हैं थोड़ा बहुत लैग हमें देखने को मिलता ही है। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया आपकी सारी चीज़, अर्ली ट्रेनिंग हो चाहे क्लासिक मैच, आपको कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने है, कॉम्पी प्लेयर के लिए भाई अच्छा फोन नहीं है, मैं पहले बता दूँ 15-20 हज़ार में कोई भी अच्छा फोन नहीं होता है कॉम्पी के लिए। अगर आपको कॉम्पी खेलना तो अराउंड 30 हज़ार के आसपास तो पैसे आपको खर्च करने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छा गेम प्ले निकालना है कॉम्पी में, क्योंकि उसके अंदर भाई बहुत बंदे आते हैं, बहुत ज़्यादा लैग होता है कॉम्पी प्लेयर जितने भी कॉम्पी मैच होते हैं, तो उसके अंदर भाई आप इस फोन के साथ नहीं खेल सकते, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हैं, देखो उसके लिए इतना बढ़िया नहीं बोलूंगा, आप देख सकते हैं थोड़े बंदे आ गए, रुक जाओ एक मिनट। तो दोस्तों आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी परफॉर्मेंस देख ली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये है कि भाई लैग आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बहुत सारा जब बंदे आ जाएंगे आसपास। आप देख सकते हैं हमने अराउंड 30 मिनट के आसपास की गेमिंग करी है। तो आप बैटरी भी चेकआउट कर सकते हैं, लास्ट बैटरी शायद 20 कितनी% थी याद नहीं मेरे को यार, चेकआउट कर लेना खुद ही, थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि 10-15 हमने सिर्फ 30 मिनट की शायद 20 मिनट की गेमिंग करी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, तो मुझे बैटरी ड्रेन का पता नहीं लगता। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर फ़ोन हीट भी करता है बहुत ज़्यादा तो आपको लैग भी देखने को मिलेगा। और अगर आप YouTube पे वीडियो डालना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, तो भाई आपको थोड़ा बहुत भाई दिक्कत देखने को मिलेगी, कहीं जगह पे लैग भी देखने को मिलेगा। ये कि आप रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलेगा, कहीं जगह पे भाई लैग होगा काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि आपको गेमिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। तो परफॉर्मेंस अच्छी थी फोन की इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, अगर आप देखें तो मुझे इससे बढ़िया फोन देखने को नहीं मिलता इस प्राइस सेगमेंट में, जिसके अंदर हमें 60 FPS भी देखने को मिल जाता। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अगर हेल्पफुल लगी और इतनी मेहनत करी वीडियो बनाने में, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। याद से अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।